Hi guys, welcome back to my channel. So in the previous class we did this and this is image formation by concave mirror. Now in today's class we are going to do image formation by convex mirror. See, ये हमारा convex mirror है, इससे light आ रही है. But जो हमारे concave mirror, unlike our concave mirror में हमारी light यहाँ, जो हमारा concave mirror में focus होता है वो हमारे left side होता है, but हमारे convex mirror में हमारा जो focus होता है वो left side होता है. Fine. तो अभी हमारे लेफ्ट साइड, जो हमारा concave mirror होता है उसमें left side होता है focus और convex mirror में right side होता है. फाइन. और इसी में हम यहाँ पे फोकस होता है, हमें यहाँ पे इसका मीट कराना पड़ेगा. कैसे मीट कराएंगे? लाइट रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. ये भी राइट रे आई लाइट रे आई ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी. बट अभी ये दोनों मीट तो कर नहीं सकती, तो हम इनको अपनी तरफ से मीट कराते हैं. दैट इज हम उनकी बैकवर्ड एक्सटेंशन करके उन्हें फोकस पे मीट करा रहे हैं. ठीक है. और ये कौन सा, और हमारे जैसे कॉन्केव मिरर के हमारे पास 6 केसेस थे, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर के हमारे पास 2 केसेस हैं, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. तो अभी हमने किया ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और अभी हम करेंगे ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल. कहीं भी हो सकता है, ठीक है, बट इस प्लेन पे लाई करेगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल के बीच में. ठीक है, कहीं भी ले लो. और इमेज हमारी हमेशा यही फॉर्म होगी, इमेज बिटवीन पी एंड एफ ही फॉर्म होगी. सो अभी इसके अंदर क्या होगा, हमने रूल में भी पढ़ा था कि अगर कोई हमारी जो लाइट रे है अगर वो सी से पास होगी तो वो अनडेविएटेड जाएगी, यानी कि वो कहीं भी बेंड नहीं होगी, कहीं भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं होगी. फाइन. सो अभी पहली हमारी जो रे थी वो सी से गई, ठीक है, और ये वाली रे हमारी बैकवर्ड एक्सटेंशन. एंड सो या हमारी ऐसे इमेज फॉर्म होती है, पहले सी से जाती है और फिर लाइट रे से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है. और हम इसी की, अब इन दोनों लाइट रेस को मिलवाना है तो हमें इसकी बैकवर्ड एक्सटेंशन करनी होगी. ये तो इसकी ऑलरेडी बैकवर्ड एक्सटेंशन थी. जो हमारी राइट साइड होता है उसको हमेशा डॉटेड लाइन से शो करते हैं क्योंकि ये एक्चुअली मीट नहीं करती, हम कराते हैं मीट. फाइन. सो ये तो ऑलरेडी था जो हमने पहले सी से कराया था, इसको हमने और किया था, ये बिटवीन एफ एंड पी हमारी इमेज बनेगी और छोटी बनेगी. पहले केस में पॉइंट साइज थी बट अभी थोड़ी बड़ी हो गई, डिमिनिश, छोटी, पहले बहुत छोटी अभी छोटी. ठीक है. और दोनों केसेस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी जैसे मैंने पहले ही बताया था. फाइन. अब नेक्स्ट टॉपिक साइन कन्वेंशन विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसके बिना न्यूमेरिकल्स हो ही नहीं सकते. अगर आपको ये नहीं आता तो आपको एक भी न्यूमेरिकल आप नहीं कर पाओगे. सो लिसन टू इट वेरी केयरफुली. सो व्हाट इज साइन कन्वेंशन. जैसे पहले तो साइन कन्वेंशन के लिए हमें ये सब चीजें, ये सारे सिंबल्स हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो व्हाट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. ठीक है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट है हमारा. फाइन. ये हमारा 32 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये 32 सेंटीमीटर पूरा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हुआ. फिर व्हाट इज वी इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर. ये हमारी इमेज है, ये बिटवीन ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये हमारा हुआ वी एंड विच इज 14 सेंटीमीटर. सी वी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर एंड यू व्हाट इज यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, दैट इज 32 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर. डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल, डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल इज नोन एज फोकल लेंथ एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज एच डैश. एच डैश इज साइज ऑफ इमेज. साइज ऑफ द इमेज, हमारी इमेज का साइज कितना है. फॉर एग्जाम्पल हम अगर हम अपनी इमेज का साइज ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर. फाइन. और हम अपने और एच क्या होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये जो ये साइज है, ये इज दिस इज कॉल्ड द एच, दैट इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो इसे हम ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर. फाइन. और हमने रे डायग्राम, अभी ये छोटा है और ये बड़ा, ये अगर आप रे डायग्राम देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा. क्योंकि अगर हमारी इमेज बियॉन्ड सी बनती है, यानी सी के पीछे, और तो फिर हमारी इमेज बिटवीन सी एंड एफ बनेगी जो कि छोटी होगी एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट. बट अगर दोनों सी पे होंगे तो हमारी इमेज जो होगी सेम साइज की होगी, इसीलिए ये छोटा है और ये बड़ा है. नाउ व्हाट इज साइन कन्वेंशन. ये तो थे हमारे सिंबल्स और हमने इनको समझा ऐसा कैसे होता है. ठीक है. तो अभी हमने कॉन्केव मिरर के साइन कन्वेंशन में क्या होता है, ये सारे के सारे साइंस है. ठीक है. अगर हमें बोला गया है कि, अगर हमारे न्यूमेरिकल में हमें बोला गया है कि यू 32 है, दैट इज हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से यू 32 है,
ठीक है, u हमारा 32 है, तो फिर हम खाली 32 नहीं लिखेंगे, हम -32 या +32, दैट इज नेगेटिव वैल्यू होगी या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अभी हम वही देखेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपल ग्राफ बनाएंगे। अभी हम सिर्फ कॉन्केव मिरर का देखेंगे, दिस इज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर का देखें तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, सिंपल हमने ग्राफ बनाया, ये प्लस या भी प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। हम जो भी करेंगे ना, मेजर इस साइड से करेंगे, मतलब हम ऐसा समझेंगे कि हम पोल से इस साइड जा रहे हैं, फाइन। सो अगर हम यू देखें हमारा, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सो हमें यहां से जाना है, हम कहां पे जा रहे हैं, यहां से माइनस की तरफ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यही तो है ना, यही तो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, हम यहां से कहां जा रहे हैं माइनस, तो इसी नेगेटिव की साइड की तरफ हम जा रहे हैं, इसलिए ये हुआ नेगेटिव, फाइन। और अगर वी हम इस साइड जा रहे हैं, सो वी हमारा इमेज कलेक्शन, तब भी नेगेटिव हुआ, बट हमारी इमेज कॉन्केव मिरर में यहां भी बनती है, सिक्स केस लास्ट केस जिसमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, तो यहां भी नेगेटिव एंड नेगेटिव और पॉजिटिव, तो दोनों हो सकता है, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और द क्वेश्चन। अब फोकल लेंथ के लिए हमें भी यहां जाना पड़ रहा है, तो नेगेटिव की साइड जा रहे हैं, तो नेगेटिव हुआ। एच डैश, वॉट इज एच डैश, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज ऐसे भी होता है, ठीक है, बट हमारे सिक्स केस में साइज ऊपर की तरफ था, तो नेगेटिव और पॉजिटिव, हम नेगेटिव की तरफ, ये देखो ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है ना, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ, और ये पॉजिटिव की साइड। फिर वॉट इज एच डैश, H इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का साइज तो हमेशा ऐसे रहेगा, तो विच इज पॉजिटिव। नाउ वट इज द साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, इट इज द सेम, ठीक है। अगर आप इसमें नहीं समझना चाहे तो इसमें भी ट्रिक है कि आप U खाली नेगेटिव होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो U होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो नेगेटिव होता है, बाकी सारी जो हमारे होते हैं वो सारे पॉजिटिव होते हैं, फाइन। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, एंड इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी नो प्लीज इन द कॉमेंट सेक्शन, ठीक है। एंड गाइज प्लीज डोंट फॉरगेट टू वॉच माई विस्पर चैलेंज विच इज कमिंग ऑन रक्षाबंधन, फाइन, इट विल बी अ ग्रेट वन। एंड इफ यू लाइक, प्लीज इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फाइन, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न। नाउ इसी से हमारे दो फॉर्मूलाज आते हैं, मिरर फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला इज दिस, 1/u + 1/v + 1/u = 1/f, एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इज m = वॉट इज m, मैग्निफाई, कितनी बड़ी है इमेज, सो h - h = साइज ऑफ इमेज ऑफ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारा h डैश का था साइज ऑफ इमेज, h का होता है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो अभी हमारा ये मेन फॉर्मूला क्या होता है, m = h - h, हम ये भी लिख सकते हैं, या फिर हम m = -v/u भी लिख सकते हैं, तो हम दोनों यूज कर सकते हैं फॉर्मूलाज, ठीक है। सो अब हमें कैसे, अगर हमें m पॉजिटिव दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर हमें कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें m ऑलरेडी दिया होता है, ठीक है, और कई क्वेश्चन में हमें बताना होता है नेचर, ठीक है, अभी वो सब मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले अगर हमारा m पॉजिटिव हो, मतलब इमेज जो है हमारी वर्चुअल है, फाइन, मतलब कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अगर हमारा m नेगेटिव है तो इमेज हमारी रियल है विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। नाउ एग्जाम्पल 10.2 में हमें कॉन्केव मिरर दिया हुआ है, फाइन, कॉन्केव मिरर दिया हुआ है हमें, इसके अंदर हमें u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, h दिया हुआ है। गाइस अगर हमें साइन कन्वेंशन ना पता हो सकता है मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, हो सकता है मैं यहाँ पे प्लस लगा दूं, तो हमारा न्यूमेरिकल टोटली गलत हो जाएगा, टोटली रॉन्ग। सो इसीलिए गाइस साइन कन्वेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हमने यहाँ पे माइनस लगाया, तो हमें u पता है, f पता है, h पता है। अब हम इसे कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले, एंड गाइज मोस्ट ऑफ द, मतलब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं पूरे इस चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन है, ठीक है, उनके अंदर मोस्ट ऑफ द, मतलब 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके अंदर हमने यही ट्रिक यूज किया है कि सबसे पहले हमने मिरर फॉर्मूला से किया, फिर हमने मैग्निफिकेशन फॉर्मूला से किया, उसके बाद हमारा अपने आप आंसर आ गया, ठीक है। हमें u और f पता है, तो हम मिरर फॉर्मूला लगा के v का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, 1/v = -2/75, ठीक है। अभी हम इसको रिवर्स करेंगे, v = -75/2, ये रिवर्स होगा तो ये भी रिवर्स होगा, रेसिप्रोकल, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। फिर अभी हमने बोला कि मिरर फॉर्मूला के बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, जैसा 95% क्वेश्चंस में हुआ है, ठीक है, इस चैप्टर के। सो इसमें क्या होगा, हमने मिरर फॉर्मूला से देखा, हमें क्या निकालना है, एच डैश, वॉट इज एच डैश, साइज ऑफ द इमेज, देन दिस इज द साइज ऑफ द इमेज, हमें साइज ऑफ द इमेज निकालना है। तो हम ऐसे भी, अभी हमें m तो पता नहीं है, तो हम इन दोनों को, हम इनको यूज करेंगे,
ठीक है, इनको यूज किया, हमारा एच डैश निकल गया -6 सेंटीमीटर। फाइन, अभी हमारा नेचर पूछा, नेचर कैसे हमें पता चलेगा, जब हम एम निकालेंगे, मैंने यहाँ पे नहीं निकाला है, एम निकालेंगे तो आपको नेचर पता चल जाएगा, विच इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कब होगा, जब हमारा एम जो होगा वो नेगेटिव आएगा। फाइन, सो दिस इज द लास्ट दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, फाइन, सो प्लीज लिसन इट केयरफुली। अगर हमारा एम